तकवा मयार है। कुरान करीम फरमाता है इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्ताकुम, खबरदार हमने तुम्हें शऊब बनाया, कबाइल बनाया, मुख्तलिफ तकसीमें की, लेकिन अल्लाह के नजदीक मुत्तकी के सिवा कोई इज्जत के लायक नहीं है। बस अगर जमात तकवा के मयार की हिफाजत नहीं करेगी तो किसी कदर की भी हिफाजत नहीं हो सकेगी। ये तो बुनियाद है मोमिन की, ये तो इस्लाम की जड़ें हैं तकवा। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा, तकवा ही वो है जिसके नतीजे में सारे इस्लाम का ताना दाना माना कायम रहता है। ये बाहर जो इस्लाम के चेहरे पर आती है तकवा के नतीजे में पैदा होती है, ये तकवा की जड़ें चूसती हैं जमीन का रस और फिर उनको आसमानी कैफियतों में तब्दील करती चली जाती है। इसलिए बहरहाल तकवा का काम यह है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए, कुछ बेहतर